बियो सावर्ट नियम जो है किससे संबंधित है? चुंबकीय क्षेत्र से। चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होता है? धारावाही चालक के कारण होता है। बियो और सावर तथा लाप्लासा ने धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जिसे वेक्टर बी से डिनोट किया जाता है, के लिए एक व्यंजक निकाला, जिसे बियो सावर्त नियम के नाम से जानते हैं, है ना। तो बियो सावर्त नियम लिखना हो तो क्या लिखेंगे? बियो और सावर्त लाप्लासा ने धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी के लिए एक व्यंजक निकाला, जिसे बियो सावर्त लाप्लासा नियम के नाम से जानते हैं। इस नियम के अनुसार उन्होंने पहला नियम दिया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का समानुपाती होगा। हम क्या किए कि धारावाही चालक ले लिए हैं, जिससे हो करके आई करंट प्रवाहित हो रही है। कौन सी करंट प्रवाहित हो रही है? आई करंट प्रवाहित हो रही है, एक धारावाही चालक है। इस धारावाही चालक का एक अल्पांश लंबाई ले लिया, जिसका नाम रखा डीएल। कौन सा लंबाई लिए? अल्पांश लंबाई, जिसका है ना टोटल लंबाई को डीएल मान लिए, और इसके कारण आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया, आर दूरी पर एक बिंदु डी लिया, जहां चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र, एक छोटा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि अल्पांश लंबाई है, इसलिए क्षेत्र को डीबी से डोट कर दिया। टोटल चुंबकीय क्षेत्र को बी से, वेक्टर बी से, अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र हो गया डीवी से। उसके अलावा ये आपका अल्पांश लंबाई हुआ, इसको मिलाने वाले, और ये चुंबकीय क्षेत्र, इसके बीच का जो कोण होगा उसको मान लिए थीटा। कोण को क्या मान लिए? थीटा। तो बियो सावर्त ने पहला बात बताया कि चुंबकीय क्षेत्र चालक से प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र चालक से प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र को डीबी से नोट किए तो डीबी समानुपाती आई। दूसरा बात उन्होंने बताया, चुंबकीय क्षेत्र चालक के अल्पांश लंबाई का समानुपाती होता है। पहला बात में करंट जो प्रवाहित धारा होगा उसका समानुपाती, दूसरा बात आई जो अल्पांश लंबाई है इसका भी ये समानुपाती होगा। अर्थात लंबाई बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, है ना। दूसरी बातों में कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र चालक के अल्पांश लंबाई का समानुपाती, पहला नंबर चालक से प्रवाहित धारा का समानुपाती, दूसरा नंबर चालक के अल्पांश लंबाई का समानुपाती, तीसरी बातों में बताया उन्होंने जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह लंबाई, अल्पांश की लंबाई और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, ये जो अल्प हमने लंबाई लिया इसकी लंबाई और इसके अल्पांश को जो मिलाने वाली रेखा होंगे, ये इस बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, उसके बीच बने कोण की है ना जया, जया को साइन बोलते हैं इंग्लिश में, जया का इंग्लिश क्या होता है? कोण को मान लिए थीटा, तो कोण का जया कहेंगे उसी को लिखेंगे साइन थीटा, अर्थात साइन थीटा का समानुपाती होता है, कोण की जया का समानुपाती होता है। किसके बीच बना कोण? अल्पांश की लंबाई, किसके बीच? तथा अल्पांश को बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की जया का समानुपाती होता है। मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र अर्थात डीबी समानुपाती थीटा का जया, मतलब साइन थीटा, तो डीबी समानुपाती साइन थीटा। चौथे बात उन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश से बिंदु पी के बीच की दूरी, ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उस अल्पांश से है ना चुंबकीय क्षेत्र के बीच की दूरी, जिसे आर मान लिए, आर के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी R के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, dB व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर, है ना। तो बियो सावर्त लाप्लासा ने चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए है ना चार समीकरण निकाला, और चारों समीकरण को मिला करके एक व्यंजक तैयार होगा, उस व्यंजक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के मान का निर्धारण किया जा सकता है। कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा, पहला नियम धारा का समानुपाती, पहला नियम, दूसरा नियम चालक के अल्पांश लंबाई का समानुपाती, तीसरा नंबर साइन थीटा का समानुपाती, चौथा नंबर है ना चौथा नियम अल्पांश से बिंदु पी के बीच की दूरी के वर्ग का
मैथमेटिकल फॉर्म रखिएगा तो डीबी समानुपाती आई, डीबी समानुपाती डीएल, डीबी समानुपाती साइन थीटा, डीबी व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर, इसको समीकरण चार। तो चार समीकरण तैयार हुआ और इन चारों समीकरण को मिला देंगे तो हो गया आपका व्यंजक निकलेगा, और वह जो व्यंजक निकलेगा वह आपको विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। बियो सावर्त नियम के अनुसार पहला समीकरण क्या प्राप्त हुआ था? डीबी समानुपाती आई। पहला समीकरण क्या प्राप्त हुआ था? दूसरा समीकरण डीबी समानुपाती डीएल, डीबी समानुपाती डीएल। तीसरा समीकरण डीबी समानुपाती साइन थीटा। और चौथा नियम डीबी व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। ये चार नियम हुआ। चारों समीकरण को मिला दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट समीकरण देखिए डीबी 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 सब में है तो डीबी रहेगा, समानुपाती साइन रहेगा, इसमें होगा आई, इसका डीएल, इसका साइन थीटा, इसका बाई आर स्क्वायर मिलाएंगे आई डीएल साइन थीटा, क्या हो जाएगा? आई डीएल साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। समीकरण वन टू थ्री एंड फोर से डीबी समानुपाती क्या हो गया? आई डीएल साइन थीटा आर स्क्वायर। यहां कोई दिक्कत? समानुपाती साइन हटेगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट के रूप में के ले लिए, क्या ले लिए? के ले लिए, तो के इनटू क्या हो जाएगा? आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको समीकरण जो है पांच मान लीजिए, समीकरण कितना मान लें? पांच, जहां के क्या है? कांस्टेंट है। टाई पद्धति में इस के का मान होता है, के का मान होता है, के बराबर होता है म्यू नोट बाय फोर पाई, क्या होता है? इसे पहले पढ़े थे, के बराबर व्यंजक विद्युतीय क्षेत्र में है ना, वन बाय फोर पाई पिस्टन नोट, नहीं पढ़े थे? के बराबर क्या पढ़े थे? विद्युत क्षेत्र के लिए कांस्टेंट निकाले थे के बराबर 1/4π0, और चुंबकीय क्षेत्र के लिए के बराबर क्या होता है? म्यू नोट बाय 4π, म्यू नोट बाय, जहां ये म्यू नोट जो है, जहां म्यू नोट बराबर जो है, जहां म्यू नोट बराबर निर्वात की चुंबकशीलता, उसमें पढ़ाए थे इप्सिलॉन नोट बराबर निर्वात की विद्युतशीलता। ये चुंबक है तो क्या हो जाएगा? तो निर्वात की चुंबकशीलता, कोई दिक्कत? म्यू नोट क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता है, और इसका मान होता है चुंबकशीलता है, और इसका मान किसका? म्यू नोट का। म्यू नोट का मान होता है 4π गुना 10⁻⁷। म्यू नोट का मान कितना होता है? 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, हेनरी। म्यू नोट का मान कितना होता है? 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। और इसे म्यू नोट को क्या बोलते हैं? निर्वात की चुंबकशीलता। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा निर्वात की चुंबकशीलता का मान बताइए, बोलिएगा 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, या क्वेश्चन पूछा जाएगा म्यू नोट का मान बताइए तो भी 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। इसके अलावा पूछा जा सकता है चुंबकशीलता का मात्रक बताइए, तो कहिएगा हेनरी पर मीटर, चुंबकशीलता का मात्रक। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो म्यू नोट का मान अपनी अभी पढ़े कितना होता है? म्यू नोट का मान
म्यू नोट का 4 पाई गुना 10^-7 हेनरी पर मीटर। करने का मतलब है म्यू नोट जहां होगा वहां पर मान कितना रख देंगे, 4 पाई इंटू 10^-7 हेनरी प्रति मीटर। यहां तक कोई दिक्कत? अब समीकरण 5 डाल दिए फ्रॉम इक्वेशन 5। समीकरण 5 से जब समीकरण 5 में हम मान बैठाते हैं तो dB रहेगा बराबर के, के के बदला में क्या रखिएगा, म्यू नोट अपॉन में कितना 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन में क्या जाएगा आर स्क्वायर। ये हो गया आपका व्यंजक। ये क्या हो गया, चुंबक क्षेत्र निकालना हो, चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए पूछेंगे व्यंजक, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक बताइए, तो क्या बोलिएगा, dB बराबर म्यू नोट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। जहां ये म्यू नोट अपॉन 4 पाई, देखिए क्या हो जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, म्यू नोट के बदला में कितना रखिएगा 4 पाई गुना 10^-7 म्यू नोट के बदला में कितना रख देंगे 4 पाई गुना 10^-7 बटे में 4 पाई, तो 4 पाई कट जाएगा तो बचेगा कितना आपको 10^-7 हेनरी प्रति मीटर तो बचेगा, है ना। जैसे 1/4 पाई नोट का मान पढ़े थे 9×10^9 न्यूटन, कोई दिक्कत? इस तरह से ही आपका म्यू नोट बाय 4 पाई का मान 10^-7 हेनरी पर मीटर हो गया। यही व्यंजक है, यही आपका प्रूव्ड है। आपको इससे ऑब्जेक्टिव में भी कई सारा क्वेश्चन दे सकता है ना, निर्वात की चुंबकशीलता है तो म्यू नोट, निर्वात की चुंबकशीलता का मान बताइए 4 पाई × 10^-7 निर्वात की चुंबकशीलता, या चुंबकशीलता का मात्रक बताइए हेनरी प्रति मीटर, है ना। म्यू नोट का मान बताइए तो म्यू नोट का मान वही 4 पाई × 10^-7 म्यू नोट बाय 4 पाई का मान बताइए 10^-7 हेनरी प्रति मीटर। ये सब ऑब्जेक्टिव आएंगे और ये व्यंजक सब रहेगा।